हे माय फैमिली, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हो? आई होप यू ऑल आर रियली गुड। तो यहाँ पे मैं कच्चे जो आम होते हैं ना, उसका यहाँ पे मैं गुड़ वाला सब्जी बना रही थी। इसको गुरम्मा बोलते हैं, बहुत टेस्टी लगता है एंड मुझे गुड़ दे के ही बहुत पसंद है। एंड यहाँ पे एक कार्ड आया हुआ है जो कि मेरी मम्मी की चचेरी बहन की बेटी का शादी है, उसका नाम भी नेहा है। मतलब कि वो मेरी बहन ही लगी, मौसी की बेटी हुई, तो उसी का शादी है 3 मई को और उसी का कार्ड यहाँ पे आया है। कार्ड बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और मम्मी को भी कार्ड गया है। मम्मी को कार्ड नहीं गया, मम्मी को फ़ोन पे बस आने बोली है, मतलब मौसी बोली है एंड मौसा जी भी बोले हैं। तो मेरा तो कम ही चांस है कि मैं जा पाऊँगी, क्योंकि वो आपको आने वाले वीडियोस में पता चलेगा कि क्या हुआ है। एंड यहाँ पे बालकनी में जो है वो पेंटर पेंट कर रहे हैं। पहले उन्होंने 2 कोट पुट्टी किया, देन प्राइमर मारा, देन फिर ये वाला कलर। ये वाला ओल्डी कलर है, पर हमारे बिल्डिंग के फ्रंट में जो कलर होगा सामने से वो हमने चेंज करा है, तो वो मैं आपको बताऊंगी आगे। एंड यहाँ पे बारिश बहुत ही मतलब हल्की हल्की हो रही थी, लेकिन मौसम बहुत अच्छा है। पिछले 10-12 दिन से मौसम बहुत अच्छा है, पूरा ठंडा ठंडा सा फील होता है। और यहाँ पर देखिए साफ़ सफाई हो रही है। जिंदगी में फर्स्ट टाइम हमको ये करना पड़ रहा है, लेकिन अच्छा लग रहा है, घर साफ हो रहा है। ये गंदा में तुम फर्स्ट टाइम तो बेसिन साफ नहीं करती है बेटा, इतने अच्छे से। हाँ, इतने अच्छे से। और गंदगी में हमको लगा मामू बना रहा है क्या। गंदगी में रहने का बिल्कुल भी आदत नहीं है, इतना दिन चकाचक होगी। इतना दिन कैसे पाइप भी मुर्गा कॉक वाला धोया हुआ है, बस इसको क्लीन करना है, एक दो बार और रगड़ देंगे। इतना दिन के बाद नल से पानी गिर रहा है। देख सकते हैं घर का क्या स्थिति है, वायरिंग हुआ है, दिस हुआ है, डेट हुआ है, पूरा वायरिंग केबल वगैरह दिस डेट। यहाँ पे मैंने सबसे पहले वॉशिंग मशीन चला दिया है, पूरा कपड़ा भर चुका है। देख सकते हैं आप कितना लीटर है, 7 लीटर होगा हमको लगता है, 7-7 केजी का होगा, 7 केजी का पूरा फुल हो गया है। कपड़ा उपड़ा सब गंदा है, देख सकते हैं वायरिंग हुआ था, ये सब छितराया हुआ है। जबकि साफ भी हमने कराया था, लेकिन घर में पूरा काम चल रहा है, एक नंबर वाला, हम लोग भी काम कर रहे हैं। तो उसके बाद मैं और हस्बैंड जी चले गए थे पार्टी शार्टी करने। तो यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं समोसा चाट। एक दिन हम लोग समोसा चाट जो है ना पैकिंग करा के घर में ले आए थे, बहुत ही ज्यादा बेकार लग रहा था। कैसा चाट का मजा लिया जा रहा है? चाट का मजा आज गुल्लू रानी अच्छा सब्जी खिलाई है, उसके खुशी में इसको पार्टी दी है। पहली बार बनाई, लाजवाब बनाई, वो वीडियो में बता देगी आपको। फैमिली वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। तो अभी हम मतलब हमारा प्लान था कि मेरा घूमने जाने का, लेकिन बहुत लेट हो गया तो हम लोगों ने पोस्टपोन्ड कर दिया, कल जाएंगे। 4 मई तक है यहाँ पे मेला। तो पापा ने जो है फिर से हमें पैसा भेजा है यहाँ पे पार्टी शार्टी करने के लिए, तो वही मैं और हस्बैंड जी जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं, लेकिन फिर भी चलिए कुछ खाते हैं। घर में आकर भी खाना बनाऊंगी ही मैं, सब्जी ज़्यादा करके, ताकि कल दिन का भी हो जाए, क्योंकि कल मुझे वापस जनगणना करने की, कल छुट्टी है वैसे 1 मई मजदूर दिवस का, लेकिन मैं जाऊँगी जनगणना करने के लिए। तो इसीलिए जाते हैं, समोसा चाट वगैरह जो होगा खाएँगे। हम दोनों रेडी, चलिए जाते हैं। रखो इसमें, रखो ना बाबू, रखो ना इसमें। कि अभी गेट पेंट नहीं हुआ है, तो ये गली काफी ज्यादा छोटी थी, तो यहाँ पे एक स्कूटी तक भी पार्क नहीं हो सकता था, जिसकी वजह से हमने ये दीवार को करवाया। देन ये हम लोगों ने ये वाला न्यू दीवार यहाँ पे खड़ा करवाया, पुट्टी करवाया। हाँ, पुट्टी करवाया। तो यहाँ पे अब हमारी स्कूटी बहुत ही अच्छे से खड़ी हो जाती है और एनफ स्पेस
और अभी बॉर्डर वगैरह पेंट कलर नहीं हुआ है, अभी साफ सफाई भी नहीं हुआ है। ये वाला रूम जो किसकी रूम एकदम हालत खस्ता थी, इसमें गेट हमने लगवाया है एंड इधर विंडो है, आप लोग देखिए इसमें ऐसा शीशा दिया गया है जो कि ब्लैक शीशा जो होता है अंदर का बाहर नहीं दिखता वो वाला। तो चलिए लेके चलते हैं रूम के आपको अंदर का। सो ये रूम है, टूटी फूटी हो गया है कलर वगैरह, यहाँ पे बेबी पीच कलर है एकदम अच्छा वाला। एंड ये जो कलर आपको दिख रहा है ये हमारे पूरे घर में होने वाला है, एक वॉल यहाँ पे ये वाला है, बाकी तीनों वॉल पिंक है एंड ऊपर में व्हाइट है। और वायरिंग का काम किसने करवाया है? वायरिंग का काम हस्बैंड जी। अब जो सबसे जो वेंटिलेटर का डिजाइन लगा वो मतलब पुराना जो लाल किला टाइप में नहीं होता था वेंटिलेटर का, वो डिजाइन बहुत ही मुझे यूनिक कॉन्सेप्ट लगा, कलर बहुत मतलब स्वीट कलर। और ये रूम काफी ठंडा रहता है क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पर है, उसके ऊपर बिल्डिंग है। गेट के पीछे का डिजाइन गर्मी में हमको यहाँ पे अच्छा होने वाला है, रेड ना लगे तो ये पीछे का है। अगर आपके पास कोई लेंटर है तो जरूर बताएगा कि हमें रेट पे लगाना है, लेकिन जब तक रेट पे नहीं लगता है तो हम लोग इसमें गर्मी में अंदर यहाँ पे रह सकते हैं। तो चलिए, और यहाँ पे रेंट कौन आएगा तुम्हारा वीडियो देख के लेने के लिए? तो मैं आपको दिखाती हूँ सेल्स एंड मार्केटिंग क्या क्या चीज परचेज करा है। और चलिए तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम दोनों ने क्या क्या चीज़ परचेज किया। तो ये सबसे पहले ये स्नैक टैग का हमने बीकानेरी भुजिया परचेज़ किया है, ये एक पे एक फ्री है बट हमने एक लिया तो 190 का शायद पड़ा हमें। और ये पार्ले टॉप, वैसे तो मुझे ड्रीम लाइट पसंद है चाय के साथ खाना नमकीन बिस्किट, पर हस्बैंड जी को पार्ले टॉप्स पसंद है तो वो यही मतलब खरीद लिए। एंड यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये टॉयलेट क्लीनर है, एक पे एक फ्री है, बहुत ही अच्छा वर्क करता है ये। और उसके बाद हमने ये लिया है गुड लाइफ एंड रिलायंस कंपनी का ही फिग है, ये अंजीर जिसको बोलते हैं, बहुत ही बड़ा बड़ा साइज़ का ये वाला कंपनी का अंजीर रहता है, सही रहता है, ये हमारा सेकेंड परचेज़ है। उसके बाद मैंने लिया है ब्रिटानिया का चॉकलेट केक जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। और एक चीज़ जो मैं हमेशा वहाँ पे लेती ही लेती हूँ, भूलती बिल्कुल भी नहीं हूँ, वो है यहाँ पे पार्ले का हाइड एंड सीक बिस्किट। ये तो मेरा, ये भी मेरा मतलब कि ऑल टाइम फेवरेट बिस्किट है, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। एंड मैंने एक और केक लिया है, ये विंकीज़ का चॉकलेट केक, ये हस्बैंड जी का फेवरेट है। और उसके बाद ये राइस ब्रैन हमने लिया है, मस्टर्ड ऑयल लिया है। राइस ब्रैन हमें 101 रुपये का एक पैकेट मिला है, अनबिलीवेबल। और मस्टर्ड ऑयल भी हमें अच्छा डिस्काउंट मिल गया। एंड ये हमने दो बॉटल जो है वो कोल्ड ड्रिंक लिया है। आप लोगों को याद होगा कि मैंने एक ट्रॉली दिखाया था, तो मम्मी ने ये वाला ऑर्डर करवाया था हस्बैंड जी से शादी में देने के लिए। तो जिस लड़की का मैंने कार्ड दिखाया ना, मतलब मेरी जो मौसी की बेटी है, ये उसी का गिफ्ट है ये मम्मी की तरफ से। तो मम्मी ये पहले ही ये ट्रॉली जो है वो भिजवा दी मामा के हाथों, यहाँ भी मामा लेके जा रहे हैं ट्रॉली शादी के लिए, वो निकल रहे थे तो वो ट्रॉली हमने उनको दे दिया। एंड यहाँ पे मैं और हस्बैंड जी जाने वाले हैं मेला, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को 2-3 वीडियो पहले ही बता दिया है। तो यहाँ पे मैं फटाफट फेस वॉश कर लूँगी एंड उसके बाद मैं जनगणना का काम कर रही थी, चिप्स खा रही थी, भूख लग रहा था मुझे। तो चलिए फटाफट फेस वॉश करते हैं, रेडी होते हैं और निकलते हैं मेला घूमने। और यहाँ पर मैं किचन में ही फेस वॉश कर रही थी क्योंकि सिंक जो है वो पूरा खाली था, बर्तन मैंने वॉश कर लिया था तो फेस वॉश भी यहीं पे था। तो मैं सोचा चलो ठीक है यहीं पे फेस वॉश कर लेते हैं और उसके बाद जाते हैं, अब फटाफट होते हैं रेडी। तो अभी मैं और हस्बैंड जी जा रहे हैं एक और मेला घूमने के लिए, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, इसकी शोभा यात्रा का मैंने क्लिप दिखाया था। ये वाला जो मेला है ना, यहाँ पे ईव 350 मूर्ति है, तो पूजा तो हम लोग नहीं कर पाए हैं बिकॉज आज हम लोगों ने ऑमलेट खा लिया था, फिर भी दर्शन करेंगे, दूर से ही प्रणाम करेंगे, आशीर्वाद लेंगे एंड आप लोग को भी दर्शन दिलाएंगे। तो चलिए ठीक है चलते हैं। सब्जी हमने मतलब बना लिया है, आलू कटहल की सब्जी उबाल करके। और जब भी ग्रेवी वाली सब्जी बनती है ना, तो हम लोग दाल उसके साथ प्रीफर नहीं करते हैं खाना, क्योंकि सब्जी का मज़ा दाल के साथ नहीं है, मतलब रस वाली सब्जी का मज़ा सिर्फ और सिर्फ चावल के साथ है, बहुत मज़ा आता है। कभी कभी मतलब बिल्कुल नहीं, ग्रेवी वाली सब्जी के साथ, जब ग्रेवी वाली सब्जी जब इतना मेहनत से बनाओ तो उसके साथ दाल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन कभी कभी मेरे लिए सब्जी के साथ भी दाल इट्स मैंडेटरी। इनके लिए मैंडेटरी है बट मैं नहीं बनाती हूँ दाल ग्रेवी वाली सब्जी के साथ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। और कौन कौन मेरी इस बात से एग्री हो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
अग्निदेव कृष्ण जी का लिए तू अर्ध नारेश्वर महादेव आधा माता आधा लग तो मेला घूमने हम लोग अप्रॉक्स 8 बजे रात में गए थे। आते आते मेरे ख्याल से 10 तो बज ही गए होंगे। उसके बाद मैंने फटाफट बनाया चावल, सैलेड काटा, पापड़ फ्राई किया, देन हम लोग खाए आलू कटहल मस्त मसालेदार सब्जी, चावल सैलेड एंड चावल मैंने बताया ना चावल की तो मैंने 2 बार बोल दिया पता नहीं, आलू कटहल की सब्जी, चावल सैलेड, पापड़, हाँ ये 4 चीज़ हमने खाया। एंड ये मूर्ति वगैरह सब बहुत ही सुंदर थी, बहुत ज़्यादा सुंदर थी। पर मेला के मामले में अगर मैं रेटिंग दूंगी ना तो पहले वाला जो मैंने वीडियो डाला था मेला वाला जो उनकी नाना के घर के पास लगा था वो वाला मेला इससे छोटा था मूर्ति के मामले में भी हर चीज़ के मामले में, बट मुझे वही मेला ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि उसमें ना मतलब मैनेजमेंट बहुत ही बढ़िया था। और ये वाला मेला उससे बड़ा था, मूर्ति भी एवं 350 थी, लेकिन ये वाला मेला मुझे कुछ चीज़ का कमी लगा, मतलब स्टॉल वगैरह भी कम लगे, क्वालिटी वगैरह भी, तो वो वाला मेला मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग दुकान वगैरह सब देख रहे थे, चूल्हा वगैरह सब देख रहे थे। और यहाँ पर हमने ज़्यादा कुछ तो नहीं खाया क्योंकि वैसा कुछ था ही नहीं खाने का। पानी पूरी खाया हमने बस, वो भी 10-10 रुपये का ही खाया, ज़्यादा नहीं, क्योंकि पानी पूरी भी उतना कुछ खास नहीं था। और आइसक्रीम तो मैंडेटरी है, आइसक्रीम तो हमने खाया ही। हस्बैंड जी को ना कृष्ण जी का छोटा सा आइडल लेने का मन था पर वो यहाँ पर वो अच्छा नहीं था। ये वाला झूला पहले वाले मेला में नहीं था तो ये वाला यूनिक झूला लगा मुझे यहाँ के अकॉर्डिंग। तो ये सब था, भीड़ भी ठीक ही ठाक थी, उतना कुछ खास नहीं था। ये वाला झूला मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, हस्बैंड जी अगर इंटरेस्ट दिखा दे तो मे भी मैं इस पर चढ़ती, उतना मुझे मन नहीं था, 40% मैंने उनको बोला भी नहीं, मे भी मैं चढ़ती। तो यहाँ पे बच्चे लोग भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, मुझे वो जंपिंग वाला जो होता है जो बच्चे लोग उसमें हवा भरा हुआ रहता है वो जंप करते हैं, मुझे वो बड़ा मन करता है, लेकिन हमारे बचपन में वो सब चीज़ कहाँ आया था, नहीं आया था, लेकिन आता तो मैं पक्का झूलती। वैसे भी वो हवा वाला अगर बड़े लोगों का अगर आ जाए तो मज़ा ही आ जाए। तो ये सारे जो स्टॉल लगे हुए थे यहाँ पे हमने जाके देखा बट कुछ अच्छा नहीं लगा। यहाँ पे टैटू बना रहे थे भैया, पता नहीं लोग कैसे बनवा लेते हैं टैटू यहाँ पर अनहाइजीनिक तरीके से। फिर हमने यहाँ पे आइसक्रीम लिया, आइसक्रीम भी एज यूजुअल 5 रुपये आपको एक्स्ट्रा ही पे करना पड़ता है। मैंने छोटा वाला लिया था कोन, हस्बैंड जी ने बड़ा वाला, लेकिन वो बड़ा वाला आइसक्रीम वाला कोन मुझे दे दिए। तो इसी के साथ ये ब्लॉग मैं एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट।